अथॉरिटी, और उन लोगों ने केवल भ्रष्टाचार और पैसे का दुरुपयोग किया। क्या ये माने अभी आपकी सरकार को आए, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 2 ईयर हो गया, yes. तो समाधान नहीं निकल पाया क्या? समाधान देखिए, मैं केंद्र की सरकार की बात करूंगा, जब नमामि गंगे की, क्योंकि सिंस आई एम कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, आज आप देखिए नमामि गंगे हो चाहे कुछ भी हो, आपने यहाँ के सुंदर घाटों का निर्माण हो रहा है, मैंने काफी कार्य सेटिस्फेक्शन पे चल रहा है, देयर इज नो डाउट वी हैव आल्सो विजिटेड ओवर हियर। सेकंडली सेवा जी, जो सारा की बात करेंगे, नए एरिया ऐड हुआ है, yes. जो सारे बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट है, रोड नहीं है, बहुत सारा बन नहीं पा रहा, कुछ लोगों को एलिगेशन है कि जो हमारे एमएलए साहब हैं वो पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे रहे, क्या आगे आपके आने के बाद लगेगा वहां पर कुछ चेंजिंग होगा, क्या किस तरीके से रहेगा? महोदय, सबसे पहले एलिगेट करना किसी को बहुत इजी होता है, जो पूर्व में रहे हैं उन्होंने क्या किया, और मैं कहता हूं कि आपका आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का एमएलए इस क्षेत्र में है, तो अगर उनको जो है अगर एक और एक दो नहीं बल्कि एक और एक 11 वाली बात हो जाएगी, आप कितने टाइम पे उम्मीद करें कि जोशियाड़ा का जो वो मामला सुधर जाए, कितना टाइम लेके चलेगा? एक ऐसा है सर, मैं सैनिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ, मैं झूठे वादे नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि वहां की जनता, पर्टिकुलरली जो बाड़ागढ़ी का क्षेत्र, मैं वहां पर जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वहां पर लोगों की, जनता की जो है वो राय से सलाह मशविरा करेंगे, मैं जाके किसी का मकान थोड़ी उजाड़ना चाहता हूँ, फिर जो बनेगा बेस्ट टू करने का प्रयास करेंगे और होगा, मतलब मान के चले कि 6 मंथ के अंदर कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा हमें जोशियाड़ा। देखिए ऐसा है कि टाइम फ्रेम में आपको अगर कोई चीज कह दूं और अगर मैं अपने वादे से मुकर जाऊं तो फिर यदि मान के चले बनेंगे तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, मुश्किल नहीं आपके लिए। देखिए आपका कहना सही है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट का आदमी, और उसके अतिरिक्त मेरी एक ऐसी डायरेक्ट अप्रोच है गवर्नमेंट के प्रति, क्योंकि मुझे जो है गंगा के पुजारी के रूप, रावल के रूप में जो है, आई कैन अप्रोच टू एनीवन, यस ही कैन गो एनीवेयर अप टू द एनी लेवल, और इजीली रहेगा शायद, क्योंकि सेंटर स्टेट गवर्नमेंट में है। और तीसरा जो फैक्टर लेके आते हैं यहाँ पर, जो इंक्रोचमेंट किया गया, बहुत सारे कब्जे कर देंगे, क्या उस तरफ भी थोड़ा कुछ रहेगा पार्टी का, और या बनने के बाद कुछ? देखिए ऐसा है, इंक्रोचमेंट, आज इंक्रोचमेंट के बैंड जो है माननीय न्यायालय का भी कई चीजें वो है, लेकिन हम जो है जो न्यायालय की प्रक्रिया है प्लस जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग संगठन और सरकार का जो दिशा निर्देश, सब्जी मंडी वाले काफी नाराज दिखते हैं पार्टी से, क्या उनके लिए कुछ स्पेशल पैकेज रहेगा? मेरा यही कहना है कि देखिए अगर वो ट्रिपल इंजन की सरकार, मतलब हमारे सरकार का व्यक्ति अगर वहाँ बैठेगा तभी उनका कुछ जो है सही हो सके। बहुत सारे आदमी, पार्टी की मीटिंग चल रही थी कल, बहुत सारे टीचर्स लोग, बहुत सारे स्कूल के टीचर आ रहे थे, उनका कहना है कि स्कूलिंग एजुकेशन की मैं बात करो, उनको प्रॉपर सैलरियां नहीं मिल रही, क्या उस तरफ भी आप जैसे विद्वान यदि गद्दी पर बैठते हैं, क्या आप उसको भी थोड़ा लेके चलेंगे क्या? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात यही कहूंगा कि आप तो एजुकेशन की बात पूछ रहे हैं, नगर पालिका में विगत 10 सालों में कई मेरे को एम्प्लॉइज ने कहा कि 10-10 महीनों से उनकी सैलरी नहीं मिलेगी मिली, तो मेरा कहना यह है कि मैं अगर सरकार का व्यक्ति अगर डायरेक्टली, तो उनको किसी प्रकार के हमारे भाई बहनों की सैलरी इन टाइम आएगी, और मैं नहीं चाहता। आई वाज आल्सो स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, अभी लास्ट टाइम हमने इश्यू देखा था, पूरी खेत में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, ग्राउंड है नहीं, हमारे जो यूथ बच्चे हैं बहुत सारे ट्रबल में, क्या मान के चले स्पोर्ट्स में सुधार होगा, किस तरीके से सुधार करेंगे आप? आपने, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब से ये पिछला बोर्ड भंग हुआ 6-7 महीनों में, इस उत्तरकाशी नगर में एक झील है, वहां पे कैयाकिंग एंड कनोइंग एक प्रतियोगिता जो है उसमें नेशनल मीट हुई, जिसमें केरला और पंजाब विभिन्न स्टेटों की टीम आई, और यहाँ पे जो है बहुत ही सुंदर प्रदर्शन हुआ। इसके अतिरिक्त यू आर टेलिंग, सबसे बड़ी बात, वन मोर लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, आप देखते कि यहाँ पर जो बस अड्डे की बात है, ज्ञान सुमे देखा था एक बार कांग्रेस के टाइम, वो वहां पर सीमेंट बिछा दी गई थी, वहां पर आज के कूड़ादान हो चुका है, यहाँ आप पीजी कॉलेज के पीछे देखते हैं वहां पर भी, क्या बस अड्डा भी कहीं पर शिफ्ट किया जाएगा क्या? महोदय एक सुंदर बस अड्डे का मेरी एक प्रायोरिटी और है कि यहाँ पे एक बफर जोन है, मैं अपनी सरकार से, क्योंकि मैं सरकार का आदमी हूँ, मैं जो हूँ बीजेपी की गवर्नमेंट केंद्र से, मैं उस बारे में सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बफर जोन के कारण से हमारा जो इंदिरा कॉलोनी और आसपास का जो एरिया है, अगर डी नोटिफिकेशन ऑफ दैट बफर जोन हो जाता है, तो उसके बाद
जो है कई समस्याएं, क्योंकि वहां पर कुछ स्पेस है, वहां पर मल्टी स्टोरी पार्किंग हो सकती है। कहां पर रहेगा ये पार्किंग का? देखिए एग्जैक्टली ज्ञानसु में बड़ा अधूरा काम है। आप नहीं, ज्ञानसु का बनाने वालों ने तो क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का पैसा जो है वो भाड़ में डाल दिया, वहां पर 2-3 मंजिली कुछ कंस्ट्रक्शन भी हुआ था, और आज उस सरिया सीमेंट उसका कुछ पता ही नहीं बनेगा। यस, आपको एक सुंदर उत्तर काशी का निर्माण होगा। इवन मार्केट में भी जो है छोटी छोटी कोई ऐसी पार्किंग प्लेस जो है। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, आप 3 दिन बाकी हैं, क्या स्ट्रेटजी आपकी आगे? देखिए स्ट्रेटजी मेरी क्या है, वो मेरे संगठन की होती है, मेरे जो यहाँ जनप्रतिनिधि है, और मेरा संगठन जो है वो किस प्रकार से है। आज मोदी जी जो है वो चारों बहुत बहुत बधाई आपको मेरे चैनल की ओर से, तमाम जनता की ओर से। उम्मीद करेंगे कि आप गद्दी पे बैठे और जब आप आएंगे तो बहुत सारा चीज और बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलेगा। बहुत सारे